सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 हुई, उसकी चॉइस फिलिंग आप सभी लोग कर रहे हैं। उसमें तीन बड़े बदलाव कर दिए गए, तीन अपडेट आपको चॉइस फिलिंग को लेकर दे दी गई हैं। आइए उन कौन कौन से बदलाव हैं उन पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर डिटेल दी गई है। आप देखिए, यहाँ जो डिटेल है उसे आप समझ लीजिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दी गई है, इसे देखिए। समम ए हसनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज हॉस्पिटल एंड गाजीपुर, जो कॉलेज गाजीपुर का हॉस्पिटल था, अगर आपने चॉइस फिलिंग इसकी की है तो इसे रिमूव कर दिया गया है। अब आप इसे नहीं करेंगे और ना ही इसे कर पाएंगे। तो ये जो कॉलेज था गाजीपुर का, इसे हटा दिया गया है, यानी ये काउंसलिंग से बाहर हो गया कॉलेज। ये अब आपको सेलेक्ट किया है तो आप चेक कर लीजिए। अगर आपको यही चाहिए था तो आप दूसरा कॉलेज ले लीजिए इसकी जगह पर। तो ये कॉलेज रिमूव कर दिया गया है, अभी इसकी अपडेट आई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पर मिलेगी। द कॉलेज जो बाराबंकी का है उसका नाम बदल दिया गया है। अगर आपको जो है एमराल्ड पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं तो उसका नाम अब हो गया है इमराल्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट, यानी उसके इंस्टीट्यूट के नाम में बदल दिया गया है। बाकी उसका कोड सेम है, कोड जो है उसका सेम रहेगा, कोड में कोई बदलाव नहीं है। तो आप कोड के हिसाब से भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो कोड आप सेम रखिए और सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो। तो यहाँ इसका नाम में परिवर्तन किया गया, दूसरी अपडेट है। और पहली अपडेट ये थी कि इस कॉलेज को ही रिमूव कर दिया गया चॉइस फिलिंग से। तो अगर आपने यही कॉलेज भरा है, कुछ लोगों ने, छात्रों ने हो सकता भरा हो, तो वो अपना देख लें, उसे वहाँ से जाके फिर से एडिट करके चॉइस फिलिंग कर लें। और तीसरी जो अपडेट दी गई है यहाँ पर, वो तीसरी अपडेट आप देख सकते हैं। उस तीसरी अपडेट में आपको क्या मिलेगा, तो ये इस तरीके की अपडेट लगातार हैं, आप चैनल पर बने रहें। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट तीसरी दी गई है वो अपडेट है कि संतोष मेडिकल डेंटल कॉलेज फ्रॉम द गाजियाबाद नाउ नोन एज, तो इसका भी नाम में परिवर्तन कर दिया गया। यानी अगर आपने ये सेलेक्ट करना है और आप उस नाम से ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यानी इसका नाम करेक्ट अब ये हो गया है और इसका कोड भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर, और चौथी अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलेज के बदलाव को लेकर है उसकी आप चीज़ें देख लीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ कॉलेज के नाम बदल दिए गए, कुछ को रिमूव कर दिया गया है, तो उनकी लिस्ट आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो है चौथा है जीवन ज्योति, यहाँ पर जो है जो हॉस्पिटल है वो आप देख सकते हैं, ज्योति संस्थान था पहले इसका नाम, अब इसको ज्योति संस्थान अलीगढ़ का था, अब इसे जीवन ज्योति संस्थान कहा जाएगा। तो यानी इसका भी नाम बदल दिया गया है। तो तीन कॉलेजेस के नाम बदल दिए गए और एक को रिमूव कर दिया गया। तो मिलते हैं इसी तरह अगली अपडेट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जिससे वो लोग इस तरीके के कन्फ्यूजन से दूर हट सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।